नमस्कार दोस्तों, अनिल ठाकुर जनरल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम करंट अफेयर्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। ये टॉपिक बल्क ड्रग फाक इन हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। तो क्या है ये न्यूज़, आइए देखते हैं। जैसा कि आप 31 अगस्त 2022 की न्यूज़ देख सकते हैं, हिमाचल में बल्क ड्रग फार्म पार्क के लिए केंद्र सरकार ने भरी हामी, डीपीआर मांगी। ये न्यूज़ है 31 अगस्त 2022 की। और नेक्स्ट न्यूज़ आप देख सकते हैं 21 सितंबर 2022 की, बल्क ड्रग पार्क की डीपीआर तैयार, 30,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क खोलने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है और हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसकी डीपीआर तैयार करके केंद्र सरकार को दे दी है। इससे जुड़े क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट, आइए कवर करते हैं। केंद्र सरकार ने 3 बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने के लिए हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश को मंजूरी दे दी है। गुजरात में देश का सबसे बड़ा बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने की घोषणा की है और हिमाचल प्रदेश के भी ऊना जिले में इसे खोला जाएगा। बल्क ड्रग पार्क या एपीआई क्या चीज़ है? बल्क ड्रग, जिन्हें हम सक्रिय दवा सामग्री या फिर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई, एपीआई की फुल फॉर्म क्या है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एपीआई एक रासायनिक यौगिक है जो किसी भी दवा को अंतिम रूप से उत्पादित करने हेतु सबसे इम्पॉर्टेंट, एक तरह से रॉ मटेरियल माना जाता है। एपीआई एक तरह से रॉ मटेरियल है जो भी किसी भी दवा को अंतिम रूप से उत्पादित करने हेतु। बल्क ड्रग पार्क ऊना के हरोली, जिसमें पोलियो, टीबी और मल्लूवाल एरिया आता है, वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। और बल्क ड्रग फार्म पार्क खोलने का मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है? घरेलू निर्माण और दवा सुरक्षा सुनिश्चित करना। पार्क में ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ साथ NIPER का एक सैटेलाइट सेंटर खोलने का भी प्रावधान किया गया है। NIPER की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। और इस फार्म पार्क की जो डीपीआर है उसे 2 सप्ताह में तैयार किया गया और इसकी लागत लगभग 1,923 रुपये लगाई गई है। केंद्र सरकार की तरफ से इसमें 1,000 करोड़ रुपये का अनुदान होगा। केंद्र सरकार इसमें कितना पैसा देगी? 1,000 करोड़ रुपये। और इसकी लगभग जो एस्टिमेशन है कितने लगाया गया है? 1,923 करोड़ रुपए। और इस पार्क से लगभग 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जनरेट करने का अनुमान लगाया गया है और इस पार्क से लगभग 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल हब BBNB है और हिमाचल प्रदेश भारत की कुल दवा निर्माण का लगभग आधा हिस्सा उत्पादित करता है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बल्क ड्रग पार्क ऊना, जो कि हिमाचल प्रदेश में उससे रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।